आशु खान इस इलाके के लिए बहुत डेडिकेटेड आदमी है, बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं जो आज इलेक्शन में भरपूर ताकत के साथ और अखिलेश जी की सपोर्ट के साथ यहाँ उतरे। कहीं ना कहीं हमें अखिलेश जी को भी सपोर्ट करना है उस कार्य के लिए जो किसी ने नहीं किया आज तक, और वो सिर्फ अखिलेश जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के सपोर्ट के साथ एक बार आशु जी का मौका जरूर। पहली बात तो यंग नौजवान है, समाजवादी पार्टी उनको टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, और उनके कुछ मुद्दे हैं, सफाई है, कूड़े हैं, कूड़ेदान है, ये सब यहाँ पर गंदगी है, नाले सीवर सब खुले पड़े हुए, वो आशु खां उस चीज़ को रिजॉल्व कराएंगे। हमें मतलब है अपने रोड गलियों से, अपने रास्तों से, ठीक है। अब कोई अगर बड़े पद पर बैठा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो काउंसलर हो, अभी काम हुआ गलियों के अंदर, वो काम वो भी करा सकता है बड़े पद वाला, जाएगा एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो, काउंसलर के ऊपर काउंसलर के इलेक्शन में काउंसलर कराएगा, ऐसा तो नहीं होता। वैसे शाहीनबाग का माहौल लग रहा है बिल्कुल एकदम, इस टाइम इन्हें काम चाहिए, ये गलियाँ खुद की गली में खड़ा हुआ उसमें ये गलियाँ हैं और भी रास्ते हैं, यहाँ पे सीवर के एक एक गड्ढे टूटे हुए हैं, अभी गिरते गिरते हम खुद बच गए, सारी नालियाँ खुली हैं, ओपन है, पूरा एकदम माहौल बिल्कुल खराब हुआ, रास्तों का मामला, कूड़े का मामला, ये सारे मामले क्लियर होने चाहिए। इस बेस पर हमें उम्मीद है आशु भाई से ये आगे बढ़ के काम करवाएंगे। काम किया है, हमारे इलाके में एक ही कब्रिस्तान हुआ करता था और उस कब्रिस्तान के लिए बड़ी मारामारी हुआ करती थी, बड़े ज़्यादा पैसे लिए जाते थे, और इतना बड़ा इलाका देख के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है अखिलेश जी, तो कहीं ना कहीं हमें जस्टिफाई करना चाहिए। एक देखिए खान साहब इसलिए ज़रूरी है, वो हमेशा हर किसी के लिए साथ रहते और ना ही मेरे किसी लाले, मैं करीब 15 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने हमेशा देखा दिन हो या रात हमेशा हर किसी के लिए साथ है। देखिए आदमी का अपना अपना हालात भी होता है, सुनने की नेचर है, बात करने का तरीका, लोगों को हर बात के लिए पूछता है, इससे पहले भी जो है उनका तो यही होता है कि बन गए लेकिन लास्ट में जाके पता चलता है कहाँ ये लोगों की फरियादें सुन रहे हैं, पिछले 4 साल तक कुछ पता ही नहीं चल रहा ये, क्योंकि आशु खान आज से थोड़ी 20 साल से मेहनत कर रहे हैं बिना पार्टी के, बिना सपोर्ट के, लोगों का सपोर्ट में हर तरह से खड़े हैं, रात दिन कुछ भी कभी फोन आप करके देखिए, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ती है मैं फ़ोन करता हूँ, हमेशा खड़े रहता हूँ। ठीक।